हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? क्लास 7th हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम कल इसका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 कर चुके थे, जिसका हाफ क्वेश्चंस किए थे, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसके हाफ क्वेश्चंस जो बच गए थे कल, उन्हें स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 5 तक हम लोग कल कर चुके थे। आज की इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6। रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यानी एक लड़की है रीटा, जो ए से चलना स्टार्ट करती है, कितने किलोमीटर चलती है बी तक? 20 किलोमीटर चलती है, ठीक है। कहां तक चलती है? 20 किलोमीटर बी तक चलती है। शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट अलोंग द सेम रोड। और अब क्या करेगी वो, यहीं से चलना स्टार्ट करेगी, 30 किलोमीटर कवर करेगी वेस्ट की तरफ, ठीक है। वो बना दिया हमने। अब क्या करेंगे, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर उसने जो 20 किलोमीटर यानी ए टू बी जो गई है वो ईस्ट की साइड, वो उसने किससे डिनोट किया है, बी, इसको किससे डिनोट किया है, पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट किया है। तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड वेस्ट, यानी वेस्ट की तरफ अगर वो जाती है तो उस डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बताइए किससे रिप्रेजेंट करेंगे। उस डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस यानी नेगेटिव इंटीजर से। क्यों? क्योंकि ईस्ट की साइड पॉजिटिव इंटीजर है, अगर तो वेस्ट की साइड जाने पर कौन सा इंटीजर होगा, वेस्ट की साइड जाने पर नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट, ठीक है। तो लिखेंगे हम, वी विल रिप्रेजेंट then how will distance travel toward represent distance traveled toward west by negative integer, ठीक है। ठीक, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन का आंसर, इसको हम स्टार मार्क कर देते हैं। अब क्या पूछा है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। यानी उसकी जो फाइनल पोजीशन है, पहले वो ए से बी तक गई थी, उसके बाद क्या किया था उसने, उसके बाद उसने चलना स्टार्ट किया था बी से ए की तरफ यानी वेस्ट की तरफ। तो हमें उसकी फाइनल पोजीशन बतानी है, कैसे बताएंगे, पहले बोलेंगे शी ट्रेवल्स ट्रेवल ए टू बी इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, ठीक है। नाउ शी ट्रेवल बी टू वेस्ट, वेस्ट की तरफ ही पूछा है ना हमसे, बी टू ए नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा, बी से चलना स्टार्ट करती है वेस्ट की तरफ, तो क्या लिखेंगे, माइनस 30 किलोमीटर, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रीटा। रीटा ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, बताइए। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दोनों डिस्टेंस को प्लस करके, है ना, एडिशन करके। तो चलिए हम भी यही करेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर, 20 प्लस माइनस 30। भाई जो साइन है, साइन तो साइन के साथ आएगा, जो साइन है हमारा वो उस डिजिट के साथ आएगा, लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो ऐड करना है, तो हमने ऐड का मार्क लगा दिया, और जो डिजिट थी वो जिस साइन के साथ थी उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब ब्रैकेट सॉल्व करना तो हमने सीखा है सभी ने, है ना, क्या करना है हमें, ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 20 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे साइन का साइन के साथ। तो बताइए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है, और यहां पर लिख दिया माइनस 30। अब सिंपल माइनस करेंगे
तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी डिजिट के सामने होगा, और बड़ी डिजिट के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, ठीक है। तो 30 में से 20 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा बताइए, किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, किलोमीटर। तो आंसर हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन पूछा था बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन ए फ्रॉम ए, तो लिखेंगे We will represent our final position from A is by negative integer, ठीक है। और क्या थी हमारी, माइनस 10, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे, ठीक है। आंसर क्या है हमारा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चले समझ में आया है ना, चलते हैं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है हमें, दो मैजिक स्क्वायर बॉक्स दे रखे हैं, क्या करना है इनको, हमें इनको प्लस और माइनस कर ये बताना है हर साइड से कि ये मैजिक स्क्वायर बॉक्स है या नहीं। कब होंगे ये मैजिक स्क्वायर बॉक्स, अगर इनको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली और डायगोनली प्लस करने पर इनकी जो डिजिट्स है वो सेम आती हैं, तो क्या हो जाएंगे, ये मैजिक स्क्वायर हो जाएंगे। तो चलिए पहले वाले को करते हैं, पहले इस वाले को करते हैं, पहले फर्स्ट को क्या करेंगे, प्लस माइनस 1 माइनस 4, ठीक है, इन्हें प्लस करते हैं, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 4। अब देखिए ये इस वाले का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस वाले का साइन का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया, अब माइनस माइनस को एक साथ प्लस कर लेंगे, पहले किया, क्या हुआ बताइए, क्या आया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 आ गया, ठीक है, क्या आ गया, 5 आ गया, किसका, माइनस का। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे, और क्या मिला हमें इसका आंसर, इसका आंसर हमें मिला 0, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस वाले को करेंगे, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, माइनस 5 प्लस माइनस 2 और प्लस 7। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो इसको यहां कर दें, ब्रैकेट अगर खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 5 माइनस 2 और प्लस 7, माइनस माइनस को प्लस कर लीजिए, माइनस 2 माइनस 2 और माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 7 एंड देन प्लस का 7, कट हो गया, क्या आया आंसर, 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं, ठीक है, 0 प्लस 3 प्लस माइनस 3, क्या होगा आंसर, देखिए ये 0 है तो काउंटेबल है ही नहीं, है ना, इसको तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये प्लस का है और ये प्लस माइनस किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा आंसर, अगेन 0। तो देखिए ये हमें आंसर मिलते जा रहे हैं ना, ये हमने कैसे किया, ये हमने अभी हॉरिजॉन्टली किया था, ठीक है। अब करते हैं वर्टिकली, इट मींस अब हम इसको ऐसे करने वाले हैं, तो माइनस 4 प्लस 7 प्लस माइनस 3, साइन को बिल्कुल नहीं भूलना है, साथ के साथ लिखना है साइन को। अब साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस 4 प्लस 7 माइनस 3, अब ये वाला भी माइनस और ये वाला भी माइनस, तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे पहले। चलिए माइनस 4 माइनस 3 क्या होगा, माइनस का 7 और ये क्या है, प्लस का 7, ठीक, तो क्या हो गया, क्या हो गया, ये कट हो गया, है ना, प्लस माइनस कट हो गया, और क्या आया आंसर, 0 आ गया, अगेन हमें 0 मिल गया भाई। अभी तक हमने हॉरिजॉन्टली कर लिया, तीनों डिजिट्स को 0 मिला, अब एक डिजिट को वर्टिकली भी कर लिया, 0 मिला। नेक्स्ट को देखते हैं, कौन सी वाली, अब इस वाली को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस 3, ठीक है, क्या करें, मैं यहाँ पर लाइन खींच देती हूँ ताकि हमारा डिस्टर्ब ना हो, है ना।
अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खुला तो माइनस वन माइनस टू प्लस थ्री, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस का थ्री और ये प्लस का थ्री, अगेन आंसर क्या मिला, जीरो। ठीक है, तो यहां भी हमें जीरो मिला। अब हमारा बचता है थर्ड, क्या करना है, इस वाले को करेंगे, इस वाले को हम यहां करेंगे, इसको भी हम यहां ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब क्या करेंगे इसको, फाइव माइनस फाइव प्लस और माइनस फाइव और ये प्लस जीरो, तो जीरो से तो प्लस करो या माइनस करो, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है यहां पर, तो अब से केवल ब्रैकेट खोलना है, क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है, प्लस माइनस क्या हो गया बताओ जल्दी से, कट हो गया और क्या आया आंसर, जीरो आया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब डायगोनली करेंगे, डायगोनली कहाँ पे करूं, मुझे एक तो कुछ रबआउट करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर वाले को रबआउट करती हूँ, इसको रबआउट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब डायगोनली करते हैं इसको, ऐसे देखिए फाइव ये लिख दिया प्लस माइनस टू और प्लस माइनस थ्री। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फाइव प्लस सॉरी माइनस टू एंड माइनस थ्री, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो फाइव एक माइनस का आ गया और एक हमारे पास प्लस का था, अगेन कट किया तो क्या आया आंसर, जीरो आ गया। तो यहाँ भी हमें जीरो मिल गया, यहाँ भी जीरो मिला, यहाँ भी जीरो मिला। अब तक हमको सारे जो आंसर हमारे मिले हैं, यानी जो हमें सभी को सॉल्व करने पर जो डिजिट हमें मिली वो जीरो मिली है। ठीक है, अब एक हमारा डायगोनली रह गया, कौन सा, ये वाला, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रबआउट कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं चल पाएगा ना फिर, स्पेस इतनी नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं डायगोनली ऐसे। ठीक, यहां पर देखिए माइनस फोर प्लस माइनस टू, ठीक है, माइनस फोर और माइनस टू, तो माइनस फोर और माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस का सिक्स हो जाएगा, यानी यहां पर जो आंसर मिला वो हमें क्या मिला है, वो हमें डिफरेंट मिला है, इट मीन्स कि ये मैजिक बॉक्स नहीं है। ठीक है, पता चला आप लोगों को, जल्दी से देखिए कि आप लोगों को पता चला कि ये मैजिक बॉक्स है या नहीं है, बताइए। जो आप लोगों को आंसर आया है उसमें आपका जीरो आया है या सिक्स आया है, सॉरी माइनस सिक्स आया, इट मींस ये मैजिक बॉक्स नहीं है। तो हमें क्या लिखना है, हमें सिंपल लिखना होगा दिस इज नॉट मैजिक बॉक्स। ठीक है, लिखेंगे It is not magic box. ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। अब क्या करना है, अब हमें इस सेकेंड वाले को, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टली करते हैं, वन प्लस माइनस टेन प्लस जीरो, तो क्या आएगा आंसर इसका, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या होगा, 9। ठीक है, इसको करेंगे नेक्स्ट को माइनस 4 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 2, तो ब्रैकेट खुलने पर क्या होगा, ये माइनस 4 माइनस 3 एंड माइनस 2। ठीक है, सबको प्लस कर लेंगे और ये जो आएगा यहाँ साइन माइनस का आएगा, इसको सबको प्लस कर लेंगे, लेकिन साइन किसका लिखेंगे, यहाँ पर भी हम साइन माइनस का लगाएंगे, क्यों, क्योंकि तीनों डिजिट्स माइनस के हैं और बड़ा डिजिट जो फोर है उसके आगे माइनस का मार्क है, तो इसीलिए क्या होगा, थ्री और टू फोर, थ्री और टू फाइव और फोर नाइन, लेकिन किसका, माइनस का नाइन। ठीक है, नेक्स्ट इसको करते हैं, अब माइनस सिक्स प्लस लिखते हैं और ये माइनस फोर, नहीं नहीं नहीं, ये फोर तो प्लस का ही है, तो हम इसे यहाँ पर ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे, क्या करेंगे, प्लस फोर और फिर से प्लस माइनस सेवन,
अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस सेवन, ठीक है, माइनस माइनस को प्लस कर लेते हैं, सेवन सेवन फोर्टीन होता है, ठीक है, और फोर्टीन में से वन कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, फिफ्टीन हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस फिफ्टीन माइनस फोर। अब फिफ्टीन में से फोर को अगर माइनस करते हैं तो क्या आंसर आएगा बताइए, नहीं सॉरी थर्टीन होगा बेटा, यहाँ पर थर्टीन, ये हमारा थर्टीन आएगा, ठीक है, क्योंकि सिक्स सिक्स जाए ट्वेल्व और एक यहाँ पर है तो थर्टीन हो गया। आप थर्टीन में से अगर हम फोर को माइनस करेंगे, भाई फोर बेशक प्लस का है लेकिन होगा क्या, क्योंकि थर्टीन के आगे तो माइनस का साइन है, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का नाइन। यानी अब देखिए यहाँ भी माइनस नाइन, यहाँ भी माइनस नाइन और यहाँ भी माइनस, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें वर्टिकली करना है, यानी अब इस तरफ करना है। चलिए जीरो प्लस माइनस टू और प्लस माइनस सेवन सॉल्व किया, क्या आंसर आया बताइए, माइनस का ये क्या आ जाएगा, माइनस का नाइन, ठीक है, ये भी अगेन। नेक्स्ट यहां करते हैं माइनस टेन, ओके, प्लस माइनस थ्री और प्लस फोर, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री माइनस का हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, माइनस थर्टीन प्लस फोर, अगेन आंसर आया हमारा माइनस नाइन, ठीक है। नेक्स्ट वाले को करते हैं, वन प्लस माइनस फोर और प्लस माइनस सिक्स, ओपन करेंगे, वन माइनस फोर माइनस सिक्स, तो देखिए माइनस फोर और माइनस सिक्स कितना होगा, माइनस का टेन और प्लस का वन, तो क्या हो जाएगा आंसर, माइनस का नाइन। तो यहाँ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तो हमने ऐड करके देख लिया, हमारे सारे आंसर क्या आए हैं, हमारे सारे आंसर माइनस नाइन आए हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमें डायगोनली प्लस करना है ना, डायगोनली प्लस करके देखते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम प्लस कैसे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट में कर लें। क्या करेंगे, वन माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है और अगेन प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो सेवन और थ्री टेन हो जाएगा, माइनस का टेन प्लस का वन इज इक्वल टू नाइन माइनस का, ये भी हमें नाइन मिला माइनस का। अब लास्ट हमारा डायगोनली रह गया ये वाला, इसको यहां करते हैं, ठीक है, तो देखिए माइनस सिक्स और प्लस माइनस थ्री और ये जीरो, तो क्या आंसर आएगा, माइनस का नाइन। जितनी भी डिजिट्स हमने यहाँ काउंट करी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, सभी में आंसर क्या आया, सभी में आंसर आपका आया है माइनस नाइन। इट मीन्स इट इज मैजिक बॉक्स, है ना, इट इज मैजिक बॉक्स, समझ में आया। सभी तरफ से डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे, अगर सभी जगह हमें सेम आंसर मिलता है तो हमारा जो बॉक्स कैसा है, वो है मैजिक बॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया ना सभी लोगों को, चले फिर आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर एट, वेरीफाई माय ए माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यानी दो डिजिट्स दोनों साइड दी हुई है इज इक्वल टू के, इस तरफ वाली डिजिट को हम कहते हैं राइट हैंड साइड यानी आर एच एस, ठीक है, और इस साइड के डिजिट को कहते हैं एल एच एस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं उन वैल्यूज को हम यहाँ पुट करने वाले हैं, और अगर आंसर सेम आता है तो हम क्या लिखेंगे, वेरीफाई हो गया और आंसर इज राइट बिकॉज आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। चलिए देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम आर एच एस लिखेंगे, यहाँ पर आपको ऐसे लिखना होगा आर एच एस, ठीक है। आर एच एस में जो फॉर्मूला पहले दिया हुआ है उसको नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है 21 माइनस माइनस बी की वैल्यू है 18, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा ब्रैकेट ओपन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जब माइनस माइनस प्लस होगा तो इसको प्लस कर लेते हैं, 8 और 1 9 और ये 39, ठीक है। अब यहां करते हैं एल एच एस, एल एच एस क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 21 प्लस 18, ठीक है, क्या आंसर आया 39। तो क्या हुआ, वेरीफाई हो गया, यहां लिखेंगे एल
आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यूज पुट करते हैं, देख लेते हैं एक बार और। ए की वैल्यू 18 माइनस माइनस और बी की वैल्यू है 125, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, इसको भी लिख लेते हैं आर एच एस, ठीक है। क्या होगा 118 प्लस 125, प्लस कीजिए इसको, 8 और 5 कितना होता है भाई, 8 में 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा 13, है ना। और 1 कैरी मिल गया, 2 3 और ये 4, और यहाँ पर 1 और 1 2, तो ये हो गया हमारा आर एच एस। यहाँ पर हम एल एच एस, ठीक है। एल एच एस में क्या करना है हमें, ए प्लस बी, सिंपल 118 प्लस 125, द आंसर इज सेम 243। आ गया आप लोगों का, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर भी, बी में भी आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, दैट इज 39 ऊपर, सॉरी यहाँ पर क्या आया 243 इज इक्वल टू 243, और यहाँ पर क्या आया था 39 इज इक्वल टू 39, ठीक है। आगे आप लोगों का आंसर समझ में आया, क्या करना है, केवल वैल्यूज पुट करनी है जो भी हमें वैल्यू दे रखी है, और दोनों साइड्स को कंपेयर करके ये बताना है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं या इक्वल नहीं है। अगर आंसर हमारा दोनों साइड का सेम है, इट मीन्स हमारी जो दोनों साइड है वो सेम है, क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू का मार्क लगा के आर एच एस और एल एच एस लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर नहीं होती तब क्या करते, देखिए यहाँ पर अगर नहीं होती तब क्या करते, हम बोलते आर एच एस इज नॉट इक्वल्स टू एल एच एस, है ना, ये लिखते तब हम, ठीक है। अगर इक्वल्स टू नहीं है तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू का मार्क लगाएंगे और उसको क्रॉस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई ए माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ए एंड बी, ठीक है। यहां भी देख लेते हैं, सबसे पहले आर एच एस फर्स्ट के लिए, फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आर एच एस, ए की वैल्यू कितनी है 75 माइनस माइनस बी की वैल्यू कितनी है 84, सॉल्व किया 75 प्लस 84 हो गया ओपन करके, ठीक है। और 8 प्लस 4 कितना होता है 9, और 8 और 8 16, और एक 1 माइनस कर देंगे तो 15, कितना आंसर आया 159, क्या आप लोगों का आया बताइए जल्दी से, क्या आप लोगों का आया सभी का, तो चलिए जल्दी से आप मुझे आप लोग एल एच एस करके बताइए, मेरा आंसर आने से पहले आप लोगों का आंसर मिलना चाहिए, ठीक है, बताइए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए की वैल्यू कितनी है 75 प्लस बी की वैल्यू 84, आंसर क्या आएगा 159, सेम आंसर है, लिखेंगे आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, ठीक है। अब सेम पैटर्न से स्पोर्ट पार्ट भी होगा, यानी ये पार्ट भी उसी पैटर्न से होगा जिससे हम अभी तक करते आ रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से आंसर करके बताइए, मैं जब तक सॉल्व करूं आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले आना चाहिए कि क्या इसका आंसर है। चलिए मैं भी सॉल्व करती हूँ, आप भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलो ए की वैल्यू है 28 माइनस माइनस बी की वैल्यू है 11, ओपन किया 28 प्लस 11 तो आएगा 39, आ गया आप लोगों का आंसर, देखिए मेरा तो फटाफट आ गया। अब LHS करते हैं, इधर क्या लिखेंगे 28 प्लस 11 इज इक्वल टू 39, तो क्या हुआ यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। पता है इन सम्स को कराने का मेन मोटिव क्या है, इन सम्स को कराने का मेन मोटिव ये है कि जो वैल्यू यानी जो साइन दिए होते हैं ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर, उनको हम कैसे यूज करें, उनको हम उन पर हम क्या अप्लाई करें कि हमें वो जो डिजिट्स मिलनी चाहिए एक्चुअल में साइन के साथ वो मिल जाए, और वो कैसे मिलेगी जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए आप लोगों को
एक एक जैसे बहुत सारे सम्स दिए हुए होते हैं ना एक्सरसाइज में, बहुत सारे सम होते हैं ना, इसलिए नहीं होते कि बच्चों को परेशान किया जाए, बल्कि वो सम्स इसलिए होते हैं कि जब हम बार बार उनको ट्राई करते हैं तो हमें उस क्वेश्चन को करने का पैटर्न पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन स्मॉलर देन और इज इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब क्या करना है, हमें दोनों साइड्स को सॉल्व करना है और ये बताना है कौन सी साइड बड़ी है। चलिए ये भी करते हैं फटाफट से। तो माइनस एट और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का 8 और ये माइनस दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 4। अब मुझे बताइए कौन सी डिजिट बड़ी है, माइनस 12 या माइनस 4, बताइए। आप लोगों को केवल डिजिट नहीं देखनी है, क्या देखना है आप लोगों को, साथ में साइन भी देखना है। देखो अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है, यानी अगर प्लस का साइन के साथ है, तो नंबर जितना बड़ा होता जाएगा उतना वो खुद बड़ा हो जाएगा। यानी 1 से बड़ा क्या है 2, 2 से बड़ा क्या है 3, 19 क्या है 3 से बड़ा, 25 क्या है 19 से बड़ा। समझ में आया? लेकिन अगर हमारे जो डिजिट्स हैं वो नेगेटिव साइन के साथ है, तब क्या होता है, तब उल्टा होता है। क्या करते हैं, तब जितनी बड़ी डिजिट होगी वो उतनी छोटी होगी। ठीक है, जितनी बड़ी डिजिट होगी वो उतनी छोटी होगी। इट मींस क्या, देखिए अगर 4 और 12 में कंपैरिजन किया जाए तो 12 ही बड़ा है, लेकिन क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन के साथ हैं, क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन के साथ हैं, तो क्या होगा, माइनस 12 बड़ा है लेकिन नेगेटिव साइन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 12 छोटा हो जाएगा और माइनस 4 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे लगाएंगे, हम इस तरीके से साइन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, माइनस 3 प्लस 7 माइनस 19 सॉल्व करते हैं। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 19 में अगर 3 को प्लस किया तो क्या होगा, क्या होगा, 19 20 21 22 लेकिन माइनस का है ना, और प्लस का 7। अब माइनस कर लीजिए, अगर 22 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताइए क्या बचेगा, ये बचेगा ना, मेरा आ गया आंसर, आप लोगों का आया भाई, फटाफट फटाफट करते जाइए और आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए। ठीक है, कि आप लोगों का आंसर एग्जैक्ट आया या मेरा जो आंसर आया था उससे मैच किया कि नहीं। अगर मैच करेगा तो आंसर राइट होगा, अदरवाइज आंसर आपका रॉन्ग हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा आंसर ही राइट होगा, मे भी रॉन्ग हो सकता है मेरा भी, लेकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे आंसर राइट आए, तो आप लोगों को भी ऐसे ही कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए इसका निकालते हैं। 15 है माइनस 8 और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 8 और माइनस 9 क्या होगा भाई, 9 और 9 एक प्लस करते तो क्या होता, 18 होता। 1 माइनस कर दीजिए उसमें से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 लेस है ना, तो क्या हो जाएगा 17। तो 15 माइनस 17 क्या आंसर आएगा, माइनस का 2 आएगा। मेरा तो आंसर आ गया, आप लोग बताइए आप लोगों का आंसर आया, जल्दी से बताइए, माइनस का 2 आंसर आ गया। अब क्या करना है हमें, बताइए क्या करना है, अब हमें साइन पुट करना है। कौन सी डिजिट बड़ी होगी बताओ, माइनस 15 बड़ी होगी या माइनस 2 बड़ी होगी, जल्दी से बताइए कौन सी डिजिट बड़ी होगी, माइनस 2 बड़ी हो जाएगी। क्यों, नेगेटिव साइन के साथ जितना नंबर छोटा है वो उतना बड़ा है ना। नेक्स्ट चलिए फटाफट करते हैं अब इनको। 23 माइनस 41 और प्लस 11, तो पहले प्लस प्लस वाली डिजिट को प्लस कर लीजिए। 23 और 11 क्या हो जाएगा, 34 और माइनस 41। अब 41 में से 34 को माइनस कर लीजिए, क्या बचेगा, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 बचा है ना, और 4 में से 3 माइनस किया तो 1 बचा, लेकिन किसका, माइनस का। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों माइनस के, ये प्लस कर लेते हैं। 41 और 11 क्या हो जाएगा, 52 है ना, लेकिन माइनस का, और 23 को माइनस कर दो। तो 52 में से अगर 23 को माइनस करेंगे तो यहाँ से कैरी लेंगे 12, और 12 में से 3 माइनस किया तो 9, ठीक है, ये 9 आ गया, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा, इसका मतलब ये 29, लेकिन किसका, माइनस का ना। अब बताइए कौन सा बड़ा होगा, माइनस 13 या माइनस 29, जल्दी से बताइए।
कौन सा वाला बड़ा होगा? कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है? नहीं है, है ना? नहीं है मिस्टेक, तो बताइए कौन सा बड़ा होगा? हमारा ये वाला आंसर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का भी आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं डी पार्ट। 39 प्लस माइनस 24 और माइनस 15, क्या करना है? पहले तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। क्या 5 और 4? 9 और ये 3, ठीक है, माइनस का, और ये 39, तो सेम सेम आ गया ना, ये भी 39 और ये भी 39, तो आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। 36 और ये माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का और ये प्लस का क्या हो गया? 36, 36 क्या होता है? 52, क्या 6 6 12, और 3 3 6 और 7, सॉरी 72 माइनस 52। ठीक है, अब माइनस कीजिए, 2 में से 2 माइनस किया तो 0, 7 में से 5 माइनस किया तो 2, लेकिन किसका? माइनस का। अब बताइए कौन सा बड़ा होगा? बताइए कौन सा बड़ा होगा, जल्दी से बताइए। नहीं, माइनस का नहीं आएगा भाई, ये माइनस का क्यों आएगा? 72 तो प्लस का है, तो क्या आएगा आंसर? प्लस में ही आएगा, तो 20। इजी, ये बड़ा हो गया, है ना? नेक्स्ट देखिए, -231, 79, और पहले क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो 7 और 1 9 और 1 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 7 और 1 8, 8 में 5 प्लस करेंगे तो 13, यानी 130 आंसर आ गया। अब -231 में से 130 को माइनस कर लीजिए, 101, क्या आंसर आया? 101, किसका? माइनस का। यहां पर भी सॉल्व कीजिए, इन दोनों को प्लस कीजिए, 159 प्लस 81, 0, 8 और 5 कितना होता है बताइए? 13, और 13 और 1 जो कैरी लगा था वो 4 और ये 1, ठीक है, नहीं, और एक और इसमें कैरी लगा था, तो क्या हो जाएगा ये? 240। अब माइनस 399 में से 240 को माइनस करेंगे, 9 5 और ये 1, कितना बचा? माइनस का 159। आया आप लोगों का यही आंसर? जल्दी से बताइए, आप लोगों का यही आंसर आया? कौन सा बड़ा हो जाएगा? कौन सा बड़ा हो जाएगा? ये वाली डिजिट बड़ी हो जाएगी। ठीक है, डन।